लेकिन अरे अरे भाई दिन बन गया मेरा चाय तो यहाँ पे रास्ता हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम इशू तनाकर, आप देख रहे हैं रेड एंड चैनल। होप यू आर फाइन। सो वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हरिद्वार टू ऋषिकेश। तो आज अपन ऋषिकेश जा रहे हैं और अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, क्या नाम है इसका, गुजरावल भवन। देखो बहुत ही बड़ा महल टाइप का ये दिख रहा है, पता नहीं। तो आज के ब्लॉग में अपन जो है जाएंगे, आज हो सकता है अपन बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग करें। रिवर राफ्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि अगर पानी अच्छा खासा होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी तो यहाँ पर से पानी दिख रही है, देखते हैं। अभी अपन ऊपर और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पानी वहाँ पे है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डैम बना हुआ है तो इस नाम से यहाँ पे पानी छोड़ते बन जाता है। और बहुत मज़ा आ रहा है यार। और कल तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, मतलब मेरे को बुखार आ गया था पैर दर्द के नाम से, क्योंकि 10 किलोमीटर चलना मतलब बहुत होता है और हम लोग तो ऐसे चलते नहीं ज़्यादा। बाइक चलवा लो यार, लेकिन पैदल मत चलो। और कल जो है अपन ये डोली और ये सब में बहुत खड़ा रहना पड़ रहा था, लाइन में लगना पड़ रहा था, तो इस नाम से बहुत पैर दर्द दे रहा था कल, इसलिए कल का वीडियो मैं एंड नहीं कर पाया। लेकिन आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सुबह चाय भी मिल गया, नाश्ता भी मिल गया और अभी फुल ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा जाता है। होप कि आज बंजी जंपिंग हो जाए, मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आएगा। डर भी लग रहा है लेकिन मज़ा भी आएगा। तो लेट्स गो, एंजॉय टुडेज व्लॉग। भाई लोग अपनी बस आ गई, वो देखो ये ग्रीन वाली अपनी बस आ गई और चलते हैं सीधा ऋषिकेश की ओर। सुबह सुबह यहाँ पे ठंडी लगता है यार, सवेरे रहता है यहाँ ठंडी और रात को ठंडी लगता है, बाकी दोपहर को 10 बजे के बाद ना यार नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह है यार ठंडी। सेल्फी स्टिक लेना पड़ेगा, सेल्फी स्टिक में लाया। क्या हाल है अंकल? बढ़िया अंकल, बढ़िया। आप सुनाइए अंकल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई सीन है देखो। तो भाई लोग ये है अपना ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, बहुत ही प्यारा दिख रहा है यार, बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा ही लग रहा है स्कूल टाइप का। क्लीन उत्तराखंड, ग्रीन उत्तराखंड, बिल्कुल सही। नेचर को बचाओगे तो नेचर आपको रखेगी। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन एंट्री, वाह यार बढ़िया। ये टॉयलेट है, छोटा सा जाम लगते हुए। वो देखो अपन वो पहाड़ में जाने वाले, सामने वाले काशी, क्या पहाड़ अभी अरसू देख तो भाई नदी में खड़ा है पूरा गाड़ी यहाँ तो। तो दोस्तों अपन पहाड़ चढ़ना चालू कर चुके हैं और अभी पूरे मतलब 30 किलोमीटर तक पूरा पहाड़ रहेगा। अपन जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर, जो कि यहाँ से अभी 30 किलोमीटर दूर है और पूरा पहाड़ी है। तो बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टीफ और बहुत ही ख़तरनाक टाइप का रोड है। तो पहाड़ों पर तो मैं पहले भी गया हूँ, वैष्णो देवी और भी बहुत सारे जगह पर। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। और यार इस रोड को देख के ना ऐसा मतलब मुझे अपनी बाइक की बहुत याद आ रही है, इतना लीन करने में मज़ा आएगा ना इस रोड में कि क्या बताऊँ। मतलब एक बार तो बाइक लेके आऊँगा ही,
यहाँ इस तरफ देहरादून मैसूरी इस तरफ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बाइक रेंट पे मिलती है, अगर पता रहता तो। लेकिन फिर भी शायद ही अगर फैमिली के साथ आया हूँ तो फैमिली के साथ ही जाना पड़ेगा, वैसे ऐसे जाने नहीं देते। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से आप बाइक रेंट पे ले सकते हो, 500 रुपीज़ उसका चार्ज है, 500 से लेके 1000 तक का चार्ज है, बाइक के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे बाइक चलाने में। और क्या है ना यार, बस में थोड़ा सा मुझे अजीब टाइप का लगता है, पहले नहीं लगता था, लेकिन अब बाइक का आदत हो गया है ना तो बस में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी ठंड है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, तो अच्छा लग रहा है और इंजॉय कर रहे हैं। बगल में गंगा रिवर अभी आने वाली है तो उसके बगल ही बगल अपन जाएंगे, और देख लो यार पहाड़ कितना ऊपर है, इसके पीछे भी एक पहाड़ है तो वहाँ पे अपन जाने वाले हैं। सो लेट्स गो, आप इंजॉय करो व्लॉग तब तक। तो दोस्तों यही वो रोड है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे भोलेनाथ भी पलट गया, मतलब अरे यार एक तो वैसे ही तो डर लग रहा था ऊपर से, मतलब जो मूर्ति है ना वो चिपका हुआ नहीं था, तो इस नाम से वो टर्न में ना पलट जा रहा था। लेकिन एक हो जाता ना, भगवान भी पलट रहा है और रोड भी ऐसा है तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन यार सही में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को, पहली बार इस टाइप का डर लग रहा है, आज तक लगा नहीं। देखो कितने किनारे चढ़ा, भाई फट रही मेरी माँ कसम फट रही। मैं अभी बहुत, मैं कभी ऐसा डर नहीं लगा मेरे को कभी भी, लेकिन ना बहुत डर लग रहा है अभी ना, मतलब जब स्टीफ आ रहे हैं ना एकदम किनारे किनारे से, मेरे को पता है इनका रोज का है, लेकिन हमारा रोज का नहीं करा यार, डर लग रहा है यार। अरे यार मतलब क्या बताऊँ, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, वो देखो कितने किनारे चल रहे हैं इधर से आते हैं। तो दोस्तों खतरनाक के साथ ही साथ ये नज़ारे भी बहुत सुंदर है, तो मैं अपना मन बहला रहा हूँ ये सब नज़ारों को देख के। लेकिन भाई बस वाले का रोज का आदत है, लेकिन हमारा नहीं है, तो समझ रहे होंगे कैसा लग रहा होगा। सो बस थोड़ा दूर और है नीलकंठ मंदिर यहाँ से, और बोलते हैं कि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, मतलब कुछ ऐसे क्रॉप्स वगैरह वहाँ पे उगे हुए हैं तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है वहाँ से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको मैं पूरा अच्छे से दिखा पाऊँ कि मैंने क्या देखा है, भले थोड़ा सा लंबा हो चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कोई सा भी अच्छी चीज़ें नेचर की आप मिस करो। सो Keep watching.
और ऐसा लग रहा है बस गोल गोल घूम रहा है, बहुत खराब हो गया यार। तो भयंकर चला रहा था भाई बस वाला, भयंकर। बहुत ही प्यारा जगह है यार, दिल खुश हो गया ऐसा। मतलब सामने जो दिख रहा है ना, सामने जो सामने दिख रहा है ना, बहुत ही प्यारा है। देखें क्या सीन है। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा प्यारा। एक देखो वहां पे मंदिर दिख रहा होगा, वो ना ऊपर मंदिर है। भाई यहाँ पे एक्टिवा की सवारी करते हैं। प्रसाद के साथ माँ बाप वहाँ ले लिए मम्मी लोग, तो आप क्या देंगे? अरे लेना पड़ता इसे, तो 100 रुपए का हो गया कल्याण, हो गया कल्याण 100 रुपए का। 100 का चोट हो गया भाई, देख लेना, देख लेना बड़े। दिमाग करना हमारे तो घर का फूल है। यहाँ पे अपन एक्टिवा की सवारी करते हुए, गाड़ी मिलेगी, प्रसाद लेना होगा 100 का, इसमें गंगा जल है और कुछ फूल है और कुछ कुछ और है, दिखा देता हूँ मैं। वैसे देख ली होगी अगर देखा होगा इसके पहले वाले क्लिप पे, लेकिन फिर भी मैं एक बार और दिखा देता हूँ। हाय, तो ये है रुद्राक्ष का पेड़, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। आम के पेड़ जैसे लग रहा है ना, छोटे कैसे बने? ये क्या है ये? रुद्राक्ष के फल है। तो भाई लोग मंदिर पहुंच गए अपन, ऊपर में मंदिर है। यहाँ से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जैसे कि आपको पता है सामने लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बना ले रहा हूँ। तो मिलते हैं सीधा ब्रेक के बाद, और काफी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। वैसे टेढ़ा लग गया, छोड़ो मंदिर तो ये है, थोड़ा सा इधर आंखें डाल देता हूँ। मंदिर का दर्शन हो चुका, यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं आगे क्या है। थोड़ा सा कुछ खाएंगे, भूख तो लग रहा है। ये चलते आ रहा है क्या? मुझे पूछता। सो यहाँ पे जो अभी मैं ये बबूत लगाया, ये कई सालों से जलते आ रहा है। मतलब यहाँ का कभी बुझा नहीं, मतलब बुझने कभी नहीं दिए हैं, मतलब कई सालों से ये यहाँ पे जलते आ रहा है। तो आओगे इस मंदिर में तो यहाँ देख लेना। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है, कुछ खाने वाने का मिलेगा तो खाएंगे यार, भूख लग रहा है क्योंकि ज़ोर से। लेट्स गो। तो ठीक है यार, लेकिन मेरे को ये मज़ा नहीं आया, ये मेरे को सच में मज़ा नहीं आया यार। नहीं मतलब इतना अच्छा जगह है ये, तो पहाड़ों के बीच में हुआ, हाँ इतने ऊपर में, ये सब कचरा अच्छा नहीं लगता ना यार। मतलब कुछ जो भी यहाँ की मेंटेनेंस है, अगर भाई कभी अगर बाई चांस देख लिए ये वीडियो तो भाई इसको ठीक कर देना यार। बाहर से लोग आते हैं यार, तो अच्छा नहीं लगता यार। बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ,
क्या प्यारा लगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा यार, क्या नजारा है यार, सुपर। वहां देखो घर और कैसे बने हुए, बेहतरीन नजारा है यार, देख लो वहां। और देखो वहां से पुल के नीचे से पानी जा रहा है, पुल के नीचे से पानी जा रहा है और ये पुल है, बहुत बेहतरीन नजारा है, ताबड़तोड़ है, क्या ही बोले अब। सुकून है भाई यहाँ पे, सुकून तो सुकून बोलते हैं ना वो एकदम से, मतलब वाव, जस्ट वाव। तो अपना नाश्ता हो गया, मतलब नाश्ता कम खाना ज़्यादा हो गया। एक प्लेट अपने आलू पराठा लिए थे 60 रुपए का, ये सामने दुकान है ये वाली दुकान से, एक प्लेट आलू पराठा लिए और ब्रेड पकौड़ा लिए। तो अपना ब्रेड पकौड़ा 30 रुपए हो गया और आलू पराठा 60 रुपए, 90 रुपए मेरा ये हुआ, ठीक है। और लेकिन लस्सी था 50 रुपए ग्लास। हाँ वैसे बाइकर बहुत आते हैं, देख सकते हो। यहाँ बाइकर बहुत आते हैं और इसमें से आधी गाड़ी उनकी है। अभी आप देखोगे जो स्कूटी में मैं आया, 100 रुपए जो अपना चुटाया वही। लेकिन बाइकर, मैं बहुत बाइकर्स देखा हूँ यहाँ पे, क्योंकि है यार वैसी जगह, पहाड़ इतने सुंदर सुंदर, रोड इतने अच्छे अच्छे, नज़ारे इतने बेहतरीन। अभी तो मैं खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरे को पहाड़ से नीचे उतरना है और फिर रिवर राफ्टिंग वगैरह भी करना है, तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए अपन नॉर्मल खाएँ।